खोलो पर, तो रंग करते हैं फ्रेम जरा स्टाइलिश करके, ठीक है, आधे पे करेंगे ग्रीन यहाँ तक और आधे पे करेंगे ऑरेंज कलर, सही हो गया। दोस्तों कॉइन को तो उठा लिया है, अभी चेक करते हैं ये अंडों पे बैठती है नहीं बैठती, तो उम्मीद कोशिश अल्लाह करे बैठ जाए, अभी देख के परेशान हो रही है ये कहाँ से आ गए अंडे, बैठ जाओ बैठ जाओ। ओए आ जाओ रानी बैर, दोस्तों रानी को बाहर आने की बहुत जल्दी है, तो रानी को निकाल दिया बाहर अभी, उसके अलावा पायलट को साथ उसके गैंग को भी बाहर खुला छोड़ा हुआ है, तो वो अभी घूम फिर रहे हैं साइड, तो भाई जल्दी जल्दी रानी के आगे और इसके चूज़ों के आगे दाना वगैरह फेंक देते हैं ताकि ये अपना खा पी लें। उसके बाद दोस्तों आज हमने मुर्गी भी बिठानी है अंडों पर, उसके अलावा कबूतर को रंग भी करना है, तो काम आज काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी सबसे पहले रानी के आगे दाना फेंकते हैं, उसके अलावा राजा भी वेट कर रहा है और वो जो हमारा सावा मुर्गा है वो भी वेट कर रहा है, तो जय जय साहब को दाना वगैरह खिला के उसके बाद कबूतरों को रंग करते हैं, फिर जाके मुर्गी को बिठाते हैं अंडों पे। दोस्तों हमारी कोई नहीं हुई भी अकड़ुक, ठीक है, काफ़ी दिनों से 5-6 दिन हो गए, तो आज उसको बिठाना है अंडों पर, कहीं ऐसा ना हो कि वो कड़ुक ही छोड़ दे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले रानी के आगे और चूज़ों के आगे दाना वगैरह फेंकते हैं, उसके बाद राजे को भी देते हैं डाइट और सावे मुर्गे को भी, और जो हमारा पायलट है और उसका देसी गैंग है वो ठीक है, वो भी घूम रहे हैं सड़ आगे वो सामने, तो इनको भी बुला के देते हैं डाइट वगैरह और फिर मुर्गी को बिठा देंगे अंडों पे और कबूतरों को भी रंग करेंगे। तो आ जाओ रानी इधर आ जाओ, आ जाओ रानी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ना दोस्तों रानी के आगे और चूज़ों के आगे डाइट वगैरह रख दिया इनकी, तो ये भी खा भी लेंगे अपना, तो अभी चलते हैं हम जैसे जाकर राजे के आगे भी दाना वगैरह फेंकते हैं, उसके बाद सावे के आगे भी दाना फेंकते हैं, और चुन्नू मुन्नू भी इधर हमारा वेट कर रहे हैं सामने ही, तो चुन्नू मुन्नू के आगे भी अभी चारा वगैरह फेंकना है, तो वैसे मैंने फेंक दिया था और इन्होंने माशाल्लाह खा भी लिए काफ़ी हद तक, तो और माशाल्लाह ओए चक्की क्यों काट रहे हो। तो दोस्तों चुन्नू मुन्नू के आगे भी चारा वगैरह फेंकते हैं ताकि ये भी अपना खा पी लें, तो अभी चलते हैं जाकर जल्दी जल्दी सावे के आगे और राजे के आगे दाना फेंकते हैं और फिर कबूतरों को रंग करते हैं और मुर्गी को बैठाते हैं अंडों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। दोस्तों वेलकम हो गया आपको न्यू व्लॉग के अंदर। दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो मुर्गा मेरा चोरी हो गया था, एक बादशाह जो था हमारे पास वो चोरी हो गया था, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो गया था, तो मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दी थी, तो अभी मैंने सोचा कि नुकसान तो उतरे आते हैं, चले कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह आज के बाद हम ठीक है व्लॉग अपलोड किया करेंगे आप भाइयों के साथ, बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है। अभी माशाल्लाह सब के आगे दाना वगैरह डाल दिया है, तो वो सावा मुर्गा रह गया, उसके आगे दाना डालते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद कबूतरों को भी निकालते हैं बाहर और कबूतरों को करते हैं रंग और मुर्गी को बैठाते हैं अंडों पर। तो फेम क्या कहते हैं ये पड़ा रंग, ठीक है, इसको खोल के कर मिक्स, तो मैं जब तक वो जो मुर्गा सावा उसको दाना डाल कहता हूँ, सही है सही है। तो दोस्तों फेम कर रहे हैं रंग को मिक्स, तो हम चलते हैं जब तक जाके जो वो मुर्गा रह गया सावा एक उसके आगे फेंकते हैं दाना वगैरह ताकि ये भी खा पी ले। लो जी खाओ पियो दोस्तों, ये भी खा पी रहा है, तो अभी चलते हैं जाके फेम के साथ कराते हैं रंग को मिक्स और फिर कबूतरों को बाहर निकाल के कबूतरों को रंग करते हैं। फेम कर लिया रंग मिक्स सारा डाल लिया, कौन सा ग्रीन वाला है? ग्रीन वाला दोस्तों, ये कलर ग्रीन है और साथ वाला कौन सा है? ये ऑरेंज है। तो ये दोनों करेंगे कबूतरों का रंग मिक्स करके, ये बहुत ज़्यादा तो माशाल्लाह बहुत फिट लगेगा। थोड़ा सा पानी और डाल लो ना, बस ठीक है ठीक है, बस ठीक हो गया काफ़ी है। ये भी कर लो मिक्स दूसरे उसमें। बस इसको ले, सबसे पहले इसको करना है, तो तू खोल ना, मैं बुरे से मारता रहूँगा, सही है, खोलो पर, तो रंग करते हैं फ्रेम ज़रा स्टाइलिश करके, ठीक है, आधे पे करेंगे ग्रीन यहाँ तक और आधे पे करेंगे ऑरेंज कलर, सही हो गया। सही है, ये टाइम लगाएगा काफ़ी लगने में इस पर।
जी दोस्तों, हम कबूतरों को रंग कर रहे थे लेकिन ठीक है रंग सही नहीं हो रहा, तो एक को किया है ये सारे हाथ भी ख़राब कर दिए ठीक है रंग ने और रंग सही नहीं हो रहा, तो फेम से मैंने कहा छोड़ो तो स्प्रे लाके मारेंगे कबूतरों को जो इनकी होती है स्पेशल ठीक है। तो अभी मैंने बाकी सब कबूतरों को बाहर निकाल दिया और ये माशाल्लाह सब अपना अपना दाना खा रहे हैं कबूतर। फेम छोड़ दे रहा है इसको, बस काफ़ी हो गया, ऊपर छोड़ा ऊपर तो कपड़े ख़राब करेगी रहा, बस इधर ही छोड़ दो नीचे साथ ही। और रानी किधर आ गई है, रानी मारती है कबूतरों को इसलिए इसको साइड पर करते हैं। छोड़ो जरा इसके ऊपर, किधर गया ये, आ गया नीचे, बारिश के गीले हो गए ना इसलिए नहीं उड़ रहा ये सही तरह। तो दोस्तों कबूतरों को तो रंग नहीं हो सका सही तरह, एक कोई हुआ है तो लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया हमारा। चलो 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 दोस्तों, पायलट और मुर्गियों को करते हैं बंद अभी, क्योंकि ये कबूतरों को दाना नहीं खाने दे रहे, इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो जी अंदर। जी दोस्तों माशाल्लाह रानी को और चूज़ों को बंद कर दिया, तो अभी चलते हैं जाके कबूतरों को भी कर देते हैं बंद, ताकि फिर हम आराम से उनसे अपना काम कर सकें। बल्कि कबूतर दोस्तों दाना पानी खा के खुद ही अंदर जा चुके हैं और माशाल्लाह सब कबूतर भी अंदर चले गए, तो अभी चलते हैं जाके बिठाते हैं रानी उसको कोइन कोंडो पे। अभी क्या कहते हैं पेटी की सेटिंग वगैरह कर दी है सारी और घास भी अंदर सेट वगैरह कर दिए, अभी सिर्फ इसके अंदर डालने अंडे वगैरह। और कोइन को दोस्तों अभी छोड़ा है बैठ निकाल के ताकि ये घूम फिर ले, थोड़ा दाना पानी अपना खा पी ले, क्योंकि ये सुबह से बैठी थी वो वहाँ पे ऊपर, तो अभी इसको छोड़ा है बैठ ताकि ये दाना पानी खा ले, फिर इसके बाद हम इसको बिठाते हैं उठा के अंडों पे। तो दोस्तों अभी चलते हैं अंदर से लेके आते हैं अंडे और ला के पेटी के अंदर कर देते हैं सेटिंग। जी दोस्तों माशाल्लाह मैं अंडे उठा लें अंदर से, जी दोस्तों माशाल्लाह अंडों की शेडिंग वगैरह कर दी है, इसके अंदर तीन अंडे सब्रेड के हैं, चार अंडे एस्ट्रोलॉब के हैं और चार अंडे देसी हैं, उसके अलावा दो तीन अंडे असील के हैं, और ये टोटल मैंने रख दिए 13 अंडे। और अभी चलते हैं ले के आते हैं कोइन को, ठीक है ये सामने घूम रही है। दोस्तों कोइन को तो उठा लिया है, अभी चेक करते हैं ये अंडों पर बैठती है नहीं बैठती, तो उम्मीद कोशिश अल्लाह करे बैठ जाए, अभी देख के परेशान हो रही है ये कहाँ से आ गए अंडे। बैठ जाओ बैठ जाओ। ओए दोस्तों कोइन यहाँ पे नहीं बैठ रही अंडों पे, तो अभी हम चलते हैं पेटी को लेके अंदर और वहाँ जाके कोइन को कोशिश करते हैं बिठाने की, तो उम्मीद है कि वहाँ इंशाल्लाह बैठ जाएगी ये यहाँ पे, क्योंकि बाहर ये मुर्गे शुरे फिर रहे हैं ना इनको देख के इसलिए नहीं बैठ रही, और वहाँ पर चलते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है तो बैठ जाएगी। और आज गर्मी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, मेरी तो पसीने से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ रही है, तो इसलिए मुर्गी को भी बिठाते हैं अंदर और ठंडी जगह इंशाल्लाह वहाँ पे इसको कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा, बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ इसका हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए, तो मुर्गी को इसलिए हम इंशाल्लाह बिठाते हैं अंदर और वहाँ ये सेफ रहेगी, ठंड भी है और मौसम भी अच्छा रहेगा अंदर। बैठ जाओ बैठ जाओ। शुक्र है दोस्तों बैठ रही है, सोचा इसने काफ़ी है बैठने के लिए पहले, लेकिन शुक्र है बैठ गई है, तो अभी इसको बैठने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करता, ये खुद ही अंडे वगैरह सेट कर लेगी अपने नीचे। कोइन को दोस्तों बिठा दी अंडों पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तंग किया उसने लेकिन शुक्र है बैठ गई है। तो दोस्तों ये थे मेराज के व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब बहुत लाजमी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।